हिमालय के आंगन में उसे किरणों का देवपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। छात्रों, अब हम भारत महिमा इस पद्य का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। हमारा भारत देश बहुत ही प्यारा है। उत्तर दिशा में स्थित हिमालय हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए हमारा देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा यानी सुबह भारत को सूरज की किरणों का उपहार देती है। सुबह सुबह किरणें जब हमारे देश के आंगन में फैलती है तो सुंदर सा वातावरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। ओस की बूंदों पर जब सुबह की सूरज की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि हमें उषा ने हीरों का हार पहना दिया हो। हमें यह मालूम होना चाहिए कि संसार में ज्ञान का उदय सबसे पहले हमारे भारत भूमि में ही हुआ है। उसके बाद हमने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार कराया। महात्मा कपिल, महात्मा गौतम, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जैसे तत्ववेत्ताओं ने पूरे विश्व में शांति का संदेश फैलाया। कारणवश समग्र संसार प्रकाशमय हो गया, आलोकित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख सुख दूर हो गए। वाणी की देवी वीणा पाणी ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई। उसकी झंकार से सप्त सिंधुओं में अर्थात भारत देश में सातों स्वरों का मोहक संगीत गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई।